वेलकम टू फूड पकाओ। आज मैं आपके साथ नहायत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसका नाम है चिकन डम्पलिंग्स विद जिंजर सॉस, जो कि एक चाइनीज रेसिपी है। इसके लिए हमें जो अज़ा चाहिए वो आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हम डम्पलिंग्स के इंग्रेडिएंट्स नोट करेंगे। उनमें हमें चाहिए होगा 250 ग्राम चिकन मिन्स, ऑयल हमें डीप फ्राई के लिए चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून हमें सोया सॉस, हाफ कप हमें फाइनली चॉप कैरेट चाहिए होगी, हाफ कप हमें फाइनली चॉप कैप्सिकम, हाफ कप हमें फाइनली चॉप अनियन चाहिए होगा, 1 एग होल चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून जिंजर चाहिए होगा, 2-3 अदद हरी मिर्चें चॉप, कोरिएंडर हमें फ्रेश जो है थोड़ा सा चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा, ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, ओरिगैनो और शुगर हमें चाहिए होगी 1/2 टीस्पून। सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका, 2-3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और टमाटर हमें चाहिए होगा 1 अदद, जिसके मैंने सीड रिमूव करके उन्हें जूलियन में कट कर लिया है। स्प्रिंग अनियन हमें चाहिए होगा 1/2 कप, 1 टीस्पून हमें सॉल्ट चाहिए होगा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून शुगर, चिली अगेन हमें चॉप 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून हमें जिंजर चाहिए होगा, 1 अदद शिमला मिर्च और गाजर जिसे जूलियन में काट लिया है, और साथ में हमें 1 कप यखनी चाहिए होगी। सबसे पहले डम्पलिंग्स के लिए हम जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं वो चिकन मिन्स में ऐड कर लेंगे। चिकन मिन्स जब आप घर में बनाएं तो उसके लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पानी है चिकन के ऊपर होता है उसको आप पैर ड्राई कर लें, यानी कि अच्छे से उसको ड्राई कर लें, और उसके बाद चॉपर में चॉप करके उसका आप मिन्स तैयार कर लें। उसके बाद आपने जो तमाम इंग्रेडिएंट हैं इसके अंदर शामिल कर देने, और सब्ज़ियों में अगेन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इनमें बिल्कुल भी पानी ना हो, क्योंकि अगर सब्ज़ियों में पानी होगा तो वो जो पानी से डम्पलिंग्स जो हैं वो हमारे मज़ीद सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे और वो टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। अब तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो चिकन मिन्स में शामिल हो जाएं और अच्छे से कंबाइन हो जाएं। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें कि अगर आपको लगे कि आपका जो मिक्सचर है, बैटर है जो डम्पलिंग्स का, वो अगर बहुत ज़्यादा ढीला ढीला लग रहा है आपको, तो आप उसमें 1-2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भी शामिल कर सकते हैं। याद रखें कॉर्नफ्लावर आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ 1 टेबलस्पून या इससे ज़्यादा 2 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने इसको जो है फ्रीज़र में रख देना है 15-20 मिनट। फ्रीज़र में इसलिए रखना है ताकि जो चिकन का कीमा है वो अच्छे से सेट हो जाए और मैरिनेट भी हो जाए, तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। 15-20 मिनट आप इसको फ्रीज़र में रखने के बाद निकालें। और सिंपल अब हम इसके जो डम्पलिंग्स बनाएंगे उसके लिए हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा, कुकिंग ऑयल। आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हाथ पे लगाना है वो इसलिए ताकि आप इजीली जो चिकन के डम्पलिंग्स हैं वो रेडी कर सकें। डम्पलिंग्स बेसिकली मीट बॉल्स की तरह ही होंगे, इनको आपने मीट बॉल्स की शेप दे देनी है राउंड में, और इस तरह 1 बाय 1 करके आपने इनको तमाम को डिश में लगा देना है। इस तरह मैंने ये जो तमाम डम्पलिंग्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं और इनको मैंने जो है वो डिश में लगा दिया। अब हमने जो ये डिश है इसको दोबारा अगेन फ्रीज़र में रखना है तकरीबन 15-20 मिनट, इसलिए रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं और जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये बिल्कुल बिखरे नहीं। अब हमारे 15-20 मिनट हो गए हैं इसको फ्रीज़र में रखे हुए। अब मैं इसे डीप फ्राई कर दूँगी। सिंपली पैन में मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, उसको गर्म कर लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो टेम्परेचर हमने इसका मीडियम कर देना है, मीडियम टू लो कर देना है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हमने इसको कुक नहीं करना। अब 1 बाय 1 हम इसमें डम्पलिंग्स ऐड करेंगे, और जो इस बात का ख्याल रखना है कि ये साथ साथ जुड़े नहीं, और इनको फ्राई करने वक्त भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पहले ये एक साइड से अच्छे से कुक हो जाएं और उसके बाद आप इसकी जो है वो साइड टर्न करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप फ्राई करना चाहते हैं और उसका बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको एक साइड से कुक होने दें और उसके बाद इसको दूसरी साइड से कुक करें। तकरीबन इसको फ्राई करने में आपको 15-20 मिनट लगेंगे, 5-10 मिनट इसे एक साइड से कुक होने में टाइम लगेगा और 5-10 मिनट इसे दूसरी साइड से कुक होने में टाइम लगेगा। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि चूल्हे की आँच जो है वो मीडियम टू लो होनी चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए। ये देखें
बेकिंग पाउडर डालने की वजह से ये फूल गए हैं और एक साइड से ये कुक हो गए हैं। अब हम इसकी साइड टर्न कर देंगे और इसको दूसरी साइड से भी कुक करके नाइस ये क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे। और इसको दूसरी साइड से भी तकरीबन हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कुक करना है। और आपने देखें ये बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए। अब हम इन तमाम डम्पलिंग्स को अपनी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इन डम्पलिंग्स को फ्राई करके और ठंडा करने के बाद किसी जिप लॉक बैग में एयर टाइट करके उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर जब आपके गेस्ट आएँ, आपको जल्दी में कुछ बनाना हो, निकाला और सॉस बनाई और उसमें डाल के इसको आपने तैयार कर लेना है। डम्पलिंग्स हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम इसकी सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैन चाहिए होगा। पैन जो है वो आपका डीप होना चाहिए, या यॉक ले लें जिसे कढ़ाई कहते हैं वो ले लें। और इसको सबसे एक टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हमने दो टेबल स्पून हमने जो जिंजर था जिसको हमने पेस्ट बनाया हुआ था, या आप कूट लें या आप उसको कश कर लें, किसी भी फॉर्म में हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश जिंजर होगा तो उसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। एक मिनट इसको लो फ्लेम पर हमने फ्राई करना है। और उसके बाद इसमें हमने जो वेजिटेबल्स कट की हुई थी, एक अदद कैप्सिकम और एक अदद गाजर और दो से तीन अदद हरी मिर्चें चॉप जिन्हें हमने किया हुआ था वो आपने डाल देनी है। चाइनीज़ खाना बेसिकली बनाना मुश्किल नहीं होता, इसके लिए सिर्फ ये मेहनत होती है कि आपको इसकी कटिंग, सब्जियों की कटिंग वगैरह पे आपको टाइम लगता है। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आप इसकी कटिंग पहले कर लें, कुकिंग से पहले। लेकिन चाइनीज़ खाना जो है वो गर्म गर्म ही सर्व होता है तो अच्छा भी लगता है। अब हम इसके अंदर एक टेबल स्पून जो है काली मिर्च पाउडर और नमक और हाफ टी स्पून जो शुगर है वो ऐड कर रहे हैं, और सोया सॉस। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो नमक है वो आप ज़्यादा मत डालें, और साथ में हमने सिरका भी इसमें शामिल कर दिया है क्योंकि जो हमारी चिकन स्टॉक है उसमें भी नमक होता है। आप चाहें तो चिकन स्टॉक बना सकते हैं, या चाहें तो जो है क्यूब से उससे भी स्टॉक बना सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने एक से दो मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर अपने चिकन डम्पलिंग्स भी ऐड कर दिए हैं। इनको डालने के बाद हमने साथ ही जो है चिकन स्टॉक वो भी ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे मैं एक कप भर के चिकन स्टॉक ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्रेवी जो है वो ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ खानों की जो ग्रेवी होती है वो ज़्यादा नहीं होती, वो बहुत कम होती है। तो अगर आप ग्रेवी ज़्यादा पसंद करना चाह रहे हैं, आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, तो आप इसमें एक की जगह पे दो कप जो है यखनी के वो ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसे कवर लगाकर मीडियम आंच पर ही 5 मिनट पकाना है, और 5 मिनट में ही देखेंगे आप इसमें बबल्स आने लग जाएंगे। जैसे ही इसमें बबल्स आएंगे तो हमने इसका कवर हटा देना है, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो हमने कॉर्नफ्लोर रखा हुआ था उसको घोल लेना है। अगेन यहाँ पे कॉर्नफ्लावर जो है वो आप अगर ज़्यादा इसकी ग्रेवी कम रखना चाहते हैं तो ज़्यादा कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें, और अगर ग्रेवी कम ज़्यादा रखना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लावर कम ऐड कर दें, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। और इसको जो है अब हम अच्छे से मिक्स करने के बाद कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन ही इसमें जो है चम्मच से इसको हिला देना है। कॉर्नफ्लावर क्योंकि आपको मालूम है कि ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है, तो अगर हम इसको नहीं हिलाएंगे तो इसमें लम्ब्स बन जाएंगे, और हमने लम्ब्स बिल्कुल नहीं बनाने। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेगा, और ये देखें जी हमारे चिकन डम्पलिंग्स रेडी हो गए हैं। अब हम इसके अंदर लास्ट में जो स्प्रिंग अनियन मैंने आपको बताया था वो ऐड कर दूँगी, और जो एक अदर टमाटर जिसके मैंने सीड रिमूव कर दिए थे वो भी ऐड कर दूँगी। अगर आपको वेजिटेबल्स क्रिस्पी पसंद हैं तो आप इस स्टेज पे कुछ अनकुक जो कैरेट्स हैं और कैप्सिकम वो भी ऐड कर सकते हैं। अगेन ये आपकी अपनी चॉइस पे है। और चाइनीज़ खानों की एक बात ये है कि इसको गरम गरम ही सर्व किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपनी वेजिटेबल्स और चीज़ों की कटिंग वगैरह करके रख लें, और जैसे ही गेस्ट आएँ और डम्पलिंग्स जो हैं वो आप रेडी कर लें, और सॉस जो है वो आप जब सर्व करना हो उसी वक्त बनाएं। फौरन 5 मिनट में इसकी सॉस रेडी हो जाती है, कोई इतना इसका लंबा प्रोसीजर नहीं है। और लीजिए नाज़रीन, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। चिकन डम्पलिंग्स जो हैं ये ज़्यादातर वाइट राइस या गार्लिक राइस के साथ अच्छे लगते हैं, या इनको आप जो है नूडल्स के साथ भी खा सकते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे क्योंकि बच्चों को मीट बॉल्स बहुत पसंद होते हैं, और ये मीट बॉल्स ऐसे हैं, डम्पलिंग्स ऐसे हैं जिसका वो जो कि फ्लेवरफुल है, क्योंकि इसके अंदर हमने वेजिटेबल्स ऐड किए हैं। अमूमन बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, लेकिन
इस तरह से आप अगर बच्चों को खिलाएंगे तो एक तो वो बच्चे खुश होंगे, इन चीज़ें देखने में भी अच्छी लगती हैं और वो शौक से भी खाएंगे। अगर आप मेरी रेसिपी को बिल्कुल मेरे तरीके से फॉलो करके बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, सजेशन है, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, और मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।